फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन बेल। आज हमारे चैनल पर है मिस्टर रजनीश गंगवार सर, जो कि आईआईटी कानपुर से पीएचडी कर रहे हैं, जो आज हमें जियो फिजिक्स के बारे में सब चीज बताएंगे, जैसे कि जियो फिजिक्स है क्या, उसमें जॉब करियर के क्या ऑप्शन है, और उस सब्जेक्ट से जियो फिजिक्स से हम लोग कैसे एडमिशन ले सकते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, लाइक आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में। सो वेलकम रजनीश। थैंक यू विवेक। रजनीश, हम आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपने क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन रजनीश मेरा आपसे ये है कि जियो फिजिक्स है क्या? हेलो एवरीवन, माय नेम इज रजनीश गंगवार। आई कंप्लीटेड माय बीएससी फ्रॉम बीएचयू इन फिजिक्स ऑनर्स एंड एमएससी फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे इन अप्लाइड जियो फिजिक्स। करंटली आई एम अ फर्स्ट ईयर पीएचडी स्टूडेंट इन आईआईटी कानपुर। सो जियो फिजिक्स मेनली अर्थ की स्टडी है। अर्थ जियोफिजिक्स एक इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसमें मेनली जियोलॉजी और प्लस फिजिक्स दोनों को ही स्टडी करना पड़ता है। जियोफिजिक्स अगर हम नॉर्मल टर्म में कहें तो जियोफिजिक्स मिनरल एक्सप्लोरेशन में ऑयल इंडस्ट्री में यूज होता है। जियोफिजिक्स एक्सप्लोरेशन सब्जेक्ट है, अप्लाइड सब्जेक्ट है। जैसे कि रजनीश, जियो फिजिक्स सब्जेक्ट से हम लोग जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं आईआईटीज एनआईटीज, तो इसमें एडमिशन किस किस ऑप्शन के थ्रू हम ले सकते हैं? अगर आप ट्वेल्थ के बाद जाना चाहते हैं जियो फिजिक्स ब्रांच में, तो आपको उसके लिए आईआईटी जेई क्वालिफाई करना होगा। आईआईटी जेई क्वालिफाई करने के बाद कुछ आईआईटी जैसे कि आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर एज वेल एज आईआईटी खड़गपुर में, कुछ आईआईटी में मेनली कानपुर एंड खड़गपुर में इंटीग्रेटेड बीएस एमएस कोर्स है। एंड अगर बीटेक करना चाहते हैं तो आईआईटी रुड़की में जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी में बीटेक है। अगर आप बीएससी करे हुए हैं उसके बाद आपको जियो फिजिक्स में जाना चाहते हैं तो आपको आईआईटी जेएम क्वालिफाई करना होगा फिजिक्स में। उसके बाद आप बहुत सारी आईआईटीज में जा सकते हैं, जैसे कि तब आईआईटीज बढ़ जाती हैं, जैसे बॉम्बे बढ़ जाती है और रुड़की है, रुड़की भी है एंड कानपुर भी है एंड आईआईटी खड़गपुर भी है। साथ ही साथ कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है जैसे कि बीएचयू। और अगर आप पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं इंडिया में, तो उसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि आईआईजी है, एनजीआरआई है और आईआईआरएस है। जैसे कि रजनीश, आपने जियो फिजिक्स सब्जेक्ट से आप पीएचडी कर रहे हैं आईआईटी कानपुर से, तो जाहिर सी बात है आप पीएचडी कर रहे हैं तो इंटरव्यू आपका हुआ ही होगा, तो आप व्यूअर्स को क्या बता सकते हैं कि आपने पीएचडी इंटरव्यू की कैसे तैयारी करी है और वहां के प्रोफेसर हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं इंटरव्यू के टाइम? मेनली मेरा आईआईटी कानपुर में जो सिलेक्शन हुआ है वो मेरा गेट के मीडियम से हुआ है। मेरा गेट क्वालिफाई हुआ, उसके बाद मेरा इंटरव्यू है, तब इंटरव्यू है। अगर बात करते हैं हम पर्टिकुलर जियोफिजिक्स सब्जेक्ट की, तो आपको मेनली तीन बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि जियोफिजिक्स मेनली जब बच्चे जाते हैं एमएससी में तो फिजिक्स वाले जाते हैं, तो जियोफिजिक्स हम लोग के लिए एकदम नया होता है। तो उसके लिए आपको कुछ फंडामेंटल बुक्स पढ़नी चाहिए, एज वेल एज आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जो कि इंटरव्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके लिए आपको मैं कुछ बुक्स प्रेफर करना चाहूँगा, जैसे कि विलियम लॉरी, टेलफोर्ड एंड कैरी। ये तीन बुक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी थी, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है इंटरव्यू एज वेल एज गेट दोनों में ही। जी, जैसा कि आपने रजनीश अभी बताया कि ये बहुत न्यू सब्जेक्ट है जियो फिजिक्स, तो इसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किस तरीके न्यू है, या क्या ये फिजिक्स और मैथ्स से कनेक्टेड है, ब्रांच है? हाँ, जियो फिजिक्स इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को अप्लाई करते हैं नेचुरल चीज़ों पे, जैसा कि जियोलॉजी में फोल्ड फॉल्ट, ऐसे कि हम ऑयल इंडस्ट्री की बात करें तो हम लोग सर्वे करते हैं जहाँ पर हमको अपनी फिजिक्स भी अप्लाई करनी होती है, कुछ पैरामीटर्स फाइंड आउट करने के लिए मैथमेटिक्स यूज करनी पड़ती होती है। तो हमको फिजिक्स मैथ इंटर डिसिप्लिनरी, अगर आप कोर्स करना चाहते हैं जो सब सबका मिक्सचर हो, कॉम्बिनेशन हो, तो आपको जियो फिजिक्स फील्ड अच्छा लगेगा। मेरा रजनीश एक पर्सनल क्वेश्चन है कि जैसे कि जियो फिजिक्स एक नया सब्जेक्ट है, आपने फिजिक्स और मैथ्स पढ़ी, तो आप फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट में आगे क्यों नहीं गए, जियो फिजिक्स में क्यों गए, और आपने अपना इंटरेस्ट कैसे जियो फिजिक्स में क्रिएट किया? मैं जियो फिजिक्स में मेनली स्विच किया क्योंकि मुझे जॉब में जाना था, लेकिन ड्यू टू कोविड 19 इस समय कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मेनली जियो फिजिक्स ब्रांच क्या है, इंडस्ट्री एज वेल एज रिसर्च दोनों के लिए पर्पज से ही बेस्ट है। अगर आप रिसर्च की बात कर
रिसर्च की बात करते हैं तो बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जिनमें आप जा सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री की तो बहुत सारी प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट कंपनियां हैं जिनमें आप बहुत ही अच्छा पैकेज पा सकते हैं। जैसा कि अगर आप गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो ONGC है, ऑयल इंडिया है, एंड अगर आप प्राइवेट सेक्टर बात करते हैं तो एक्सॉन मोबिल, हल्लीवर्टन, इस्लाम वर्जर, एज वेल एज बहुत सारी कंपनियां हैं। और अगर आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाएं तो बार्क में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप और भी बात करते हैं तो आप ग्रुप एक ग्रेजुएट ऑफिसर UPSC में जो कि GSI एज वेल एज सेंट्रल ग्राउंड वाटर पोस्ट बोर्ड में पोस्ट आती है, जियो फिजिसिस्ट एंड द साइंटिस्ट, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जैसा कि आपने PhD आप कर रहे हैं, इसमें रिसर्च कर रहे हैं, तो आपका उतना बड़े लेवल में आपने अपना इंटरेस्ट कैसे जियोफिजिक्स में क्रिएट किया, क्योंकि ये तो अभी नया सब्जेक्ट है आई थिंक, तो आपने जी मुझे मिली क्या जियोफिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों ही अच्छी लगती थी, और मैं चाहता था कि मतलब ये चीजों को अप्लाई होते हुए देख पाऊँ कि मतलब हम यूज कहाँ करते हैं इनको रियल लाइफ में, तो अगर ये आपको जियोफिजिक्स में अच्छे से देखने को मिलेगा। जी, जैसे कि आप फील्ड सर्वे करते हैं तो आपको बहुत सारे पैरामीटर्स फाइंड आउट करने होते हैं, तो आपको फिजिक्स भी यूज करनी पड़ेगी एज वेल एज मैथमेटिक्स भी पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज करनी पड़ेगी। जी ओके, रजनीश मेरे क्वेश्चन तो खत्म हो गए, अगर आप अपनी तरफ से कुछ व्यूअर को बताना चाहें जो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सके तो प्लीज शेयर करें। जियो फिजिक्स अगर आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि आप फिजिक्स पढ़ते हुए उड़ते बोर हो गए हो, क्लासिकल क्वांटम्स एज वेल अगर आप सिंगल मैथमेटिक्स में परेशान हो गए हैं, तो आप जियो फिजिक्स में स्विच कर सकते हैं, क्योंकि जियो फिजिक्स में एक इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा पैकेज है। मेनली इंडिया में हम लोग की थिंकिंग रहती है कि बीटेक वाले IIT में बीटेक के बाद बहुत अच्छा पैकेज पाते हैं, लेकिन अगर आप भी अगर पैकेज पाना चाहते हैं अच्छा, तो आप जियो फिजिक्स में स्विच कर सकते हैं, इसके में भी बहुत अच्छा पैकेज है एज वेल एज गवर्नमेंट कंपनी या प्राइवेट कंपनी दोनों में। ओके, और मेनली आप रिसर्च के लिए फॉरेन इंस्टीट्यूट में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू रजनीश, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे चैनल कॉम्पिटिशन वेल को दिया, थैंक यू। थैंक यू विवेक, थैंक यू। हाँ।